नाथ खानी की दुनिया के नामवर मारूफ बल्कि ये कहूँगा कि उस्तादों के उस्ताद हैं हमारे साथ सभी रहमानी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। हम उनसे सुनना चाहते हैं कि जो शख्सियात जो नाथ खान जिनको आज हम सलामी अकीदत पेश कर रहे हैं उनके साथ आपका कितना वक्त गुजरा है और क्या फरमाएंगे इस हवाले से। अस्सलामु अलैकुम सभी रहमानी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी आवाज़ सुनकर हम आज के प्रोग्राम में। बहुत इनायत आपने याद किया, जज़ाकअल्लाह। क्या कहेंगे, हमारे पास जो नाथ खां एक ज़खीरा था, ख़जाना था, वो अब हमसे दूर हो गया है, हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, मगर ऐसा लग रहा है कि ये साल बड़ा सख्त ग्रां गुजरा है नाथ खानी की दुनिया पे ख़ास तौर से। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने सना खान रसूल जितने हमारे पिछले दिनों दुनिया से गए जी उनके एजाज़ में ये प्रोग्राम रखा, उनकी याद को महकाया, उनके काम की खुशबू को ताज़ा किया। अल्लाह ताला आपके और आपके चैनल को उसकी जजा अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि दुनिया में जाहिर है जिसने आना है, जिस जीरो ने आना है, उसे जाना भी है जी। लेकिन खुशनसीब होते हैं वो लोग जो दुनिया में अपनी वो यादें छोड़कर जाएं कि जिसके उनके जाने के बाद भी लोग खास तौर पर अहले इल्म, अहले मोहब्बत और दीनदार तबका जिन लोगों को अपनी दुआओं में याद रखता है, जिन लोगों की आवाज़ों से काम से अपने मुस्तकबिल को संवारता है, अपने इश्क को बढ़ाता है, ऐसे खुशनसीब लोगों का जाना दुनिया से तय तो होता है लेकिन वो बहुत खुशनसीबी की बात है कि हमारे जाने के बाद कोई हमें हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र के हवाले से याद रखे जी और हमारे लिए दुआ करता रहे, दुआ करता रहे। तो जितने भी लोग माशाल्लाह जाते हैं, सबको ही जाना है, लेकिन जितने हमारे सना खान रसूल दुनिया से गए उनके जाने का जख्म हमारे दिल का जख्म तो है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उशाक चाहे मदीना तैयबा में मिलें, चाहे हरमैन में मिलें, चाहे दुनिया के किसी खत्ते से हों, जब वो फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, तो वो अलहाज यूसुफ मेमन को, जुल्फ़िकार अली हुसैनी को, राशिद आज़म को और दीगर सना खान जो इस ज़माने में गए उन सबको न सिर्फ याद करते हैं बल्कि उनकी इनफरादियत पर गुफ्तगू करते हैं, उनके फन के महासिन को गिनवाते हैं और उनकी पड़ी हुई नातों को जो अब हमेशा के लिए हमारा तहजीबी रंग इख्तियार कर चुकी हैं, सरमाया हैं और हमारे लिए, यानी ये समझ लीजिए कि हमारे इश्क को फजू करने का एक जरिया है, सुभान अल्लाह, उन सब के लिए दुआ करते हैं। बेशक ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही मुसलमान के लिए, उसकी जिंदगी के लिए कामयाबी का इशारा है। ऐसा ही आपने बिल्कुल बजा फरमाया है, लफ्ज लफ्ज हर फर्फ में आपसे मुत्तफिक हूँ।